फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल वेक्टर इनटू वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए हेयर उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड सर रूट थ्री एंड टू, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड रूट थ्री है और बी का मैग्नीट्यूड टू है। सो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट थ्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है टू, ये जो निशानी है ये मैग्नीट्यूड की है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए थ्री है मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है रूट सिक्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है रूट सिक्स, और हमने निकालना क्या है थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा निकालना है। तो थीटा हमें कॉस थीटा से मिलेगा, सबकी वैल्यू इसमें डालते हैं, फॉर फर्स्ट वी गेट, चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है रूट सिक्स, ऊपर लिख दिया रूट सिक्स, मैग्नीट्यूड ए कितना है रूट थ्री, मैग्नीट्यूड बी कितना है टू, तो कितना हुआ ये कॉस थीटा इज इक्वल टू सिक्स को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू टू, तो रूट के अंदर थ्री इंटू टू, इसको रूट थ्री, और टू को हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल तो रह गया टू। कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री को भी रूट से बाहर निकालो और टू को भी रूट, दोनों के ऊपर रूट है तो थ्री के ऊपर भी रूट और टू के ऊपर भी रूट, नीचे रूट थ्री के ऊपर रूट और यहाँ पर टू के ऊपर रूट टू का स्क्वायर, थ्री थ्री का रूट थ्री कैंसिल, और यहाँ पर ऊपर एक रूट टू है नीचे रूट टू का स्क्वायर है, दो है नीचे, तो एक रूट टू और एक कट गया क्योंकि दो है और रूट टू का स्क्वायर, यानी कि दो रूट टू है नीचे एक रूट टू बच गया। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू वन बाई रूट टू, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू वन बाई रूट टू कौन सी वैल्यू होती है कॉस ऑफ 45 डिग्री, वो था पाई बाई फोर, पाई होता है 180 बटा चार होता है 4 × 16 4 × 20 45 डिग्री, तो कॉस का पाई बाई फोर कॉस पाई होता है कॉस 45 डिग्री। तो रूट टू की वैल्यू क्या होती है कॉस ऑफ पाई बाई फोर, कॉस कॉस कैंसिल तो थीटा क्या हो गया पाई बाई फोर, ये जो वो थीटा है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था ए और बी, और इसकी वैल्यू कितनी निकली पाई बाई फोर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई फोर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं यही तरीका है उसका। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, दूसरा वेक्टर है थ्री आई प्लस टू जे प्लस के, अभी कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो एक का नाम ए रखेंगे दूसरे का बी, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के और बी इक्वल टू थ्री आई प्लस टू जे माइनस के प्लस के। अब वी नो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो एंगल निकालना हमने कॉस थीटा इक्वल वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये जो थीटा है ये दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल है। चलिए नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या दिया है आई माइनस टू जे प्लस थ्री के इंटू थ्री आई प्लस टू जे प्लस के, तो पहले वेक्टर ए की जगह इसके कंपोनेंट लिखे, बी की जगह इसके कंपोनेंट लिखे, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे लिखा जाए, पहले वेक्टर ए है आई के साथ कुछ नहीं है तो वन वन का स्क्वायर, प्लस जे के साथ माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर, प्लस के साथ थ्री है तो थ्री का स्क्वायर, इसी तरह वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है आई के साथ थ्री है तो थ्री का स्क्वायर, टू प्लस टू जे है तो टू का स्क्वायर, पूरी माइनस के है तो माइनस वन का स्क्वायर, ये प्लस के है सॉरी के साथ कुछ नहीं है तो वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आई का वन है, सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता, वन को थ्री से इसके साथ कुछ नहीं आई के साथ आई को, वन इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू, ये भी माइनस टू और ये भी माइनस टू, और इसका के साथ थ्री प्लस थ्री इंटू के साथ कुछ नहीं है तो वन, नीचे वन स्क्वायर हो गया वन, टू के स्क्वायर फोर, थ्री के स्क्वायर नाइन, कितना हो गया नौ, चार तेरह और एक चौदह, ये भी
तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर चार हो गया, नौ चार तेरह, एक का स्क्वायर हो गया एक, तीन स्क्वायर नौ जमा दो का स्क्वायर चार तेरह, एक का स्क्वायर एक, तेरह और एक चौथा, ये भी अनरूट चौथा। तो ऊपर क्या हो गया, थ्री इंटू वन कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका वन लिया इसका थ्री लिया, वन रूट थ्री प्लस इसका माइनस टू लिया और उसका माइनस टू लिया, प्लस इसका थ्री लिया और उसका के का वन लिया, के साथ कुछ नहीं है तो वन, थ्री इंटू वन हो गया थ्री, माइनस टू हो गया फोर, थ्री इंटू वन हो गया थ्री, थ्री प्लस फोर हो गया प्लस थ्री हो गया, तीन चार सात तीन दस टेन ओवर, ये फोर्टीन रूट फोर्टीन रूट फोर्टीन रूट फोर्टीन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैसे तो फोर्टीन आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू तीन चार सात तीन दस बटा फोर्टीन, दो पंजे दस, दो से चौदह, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस को चले जाएंगे, कॉस इनवर्स फाइव बाई सेवन, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसी तरीके प्रैक्टिस कीजिए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे ढूंढ जाता है। चलिए प्रोजेक्शन पे एक क्वेश्चन करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे, दोनों का नाम रखना है ए और बी। सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू वेक्टर आई माइनस जे और बी इज इक्वल टू वेक्टर आई प्लस जे। वी नो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी जिसके ऊपर पड़ती है, ए की किस्म ए ऑन बी तो बी नीचे आएगा, मैंने जोड़ा बी, और वेक्टर ए क्या है आपका आई माइनस जे इंटू वैक्टर बी क्या है आई प्लस जे, नीचे मैंने जोड़ा बी, बी कौन सा है ये, इसका मैंने जोड़ गया आई के साथ कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है तो वन है, जे के साथ कुछ नहीं है तो वन है, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, आई का भी वन लेते हैं और इसका भी वन लेते हैं, तो वन इंटू वन, इसके साथ आई के साथ कुछ नहीं, यहाँ पर भी आई के साथ कुछ नहीं, वन इंटू वन प्लस जे के साथ कुछ नहीं है तो माइनस वन, माइनस के उठाना है बीच में प्लस होता है, और इस जे का भी वन, इसके साथ कुछ भी नहीं तो वन, आई भी अकेला है तो आई भी वन, यहाँ पर भी आई के साथ भी वन, वन इंटू वन प्लस जे के साथ प्लस ले लिया तो माइनस वन, और इस जे के साथ वन, कुछ नहीं है तो वन। तो नीचे क्या था, मैंने छोटा बी होता है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर होता है वन, वन स्क्वायर था वन, वन प्लस वन होगा टू, अंडर रूट ऑफ टू हो गया वन इंटू वन हो गया वन, प्लस माइनस वन इंटू वन हो गया माइनस वन, तो वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू वन हो गया माइनस वन, तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, नीचे क्या है रूट टू, तो जीरो बाई रूट टू क्या होता है जीरो। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी किसके बराबर है, इक्वल टू जीरो, दिस इज द सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कशन कीजिए, और अच्छे तरीके से इस वेक्टर अलजेब्रा के एक एक क्वेश्चन को एक एक डेफिनेशन को समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।